हे वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। पिछले क्लासेस में हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने पिछले क्लासेस में कवर कर लिया है, जैसे हमने पिछले क्लासेस में कवर करा था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, इसके अलावा हमने कल ही कंप्लीट करा, जैसे जीडीपी को मेजर कैसे करते हैं, मेजरिंग जीडीपी, राइट। मेजरिंग जीडीपी याद है ना आप लोगों को, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। भूलना मत ये सारी चीज़ें। ट्रांसफ़र पेमेंट, कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर नहीं आएंगी, अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर हमने कंप्लीट करा था जीवीए, राइट। अब जीवीए क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडिड, राइट। ये टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है, लास्ट क्लास में ये कंप्लीट कर दिया था हमने। सो, आज हम करेंगे कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन जीडीपी, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन जीडीपी। ओके, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री थ्री कंपोनेंट्स, जैसे फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड टर्शियरी सेक्टर। ओके, उसमें से भी फर्स्ट डिस्कस करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, इसका क्या है। प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें आती है जो डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम नेचर, जो डायरेक्टली नेचर से आती हो, जैसे एग्रीकल्चर, राइट। सो एग्रीकल्चर का कैसे एग्जांपल क्या लोगे, जैसे कुछ भी हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग, राइट। एग्रीकल्चर हो गया, और दूसरा आता है माइनिंग, राइट। सोना चांदी हीरा लोहा, राइट, जो भी हम खोद के निकालते हैं, माइनिंग करना, ओके। सो ये एग्रीकल्चर के थ्रू होगा। इसमें जो भी चीज़ें आती है डायरेक्टली फ्रॉम नेचर आती है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके।
secondary sector, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर यहाँ पर होता है कन्वर्ट प्राइमरी गुड्स टू फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइमरी गुड्स होते हैं उसको फिनिश प्रोडक्ट में बदला जाता है, जैसे वीट होगा उसको वीट फ्लोर में चेंज कर देंगे, राइट। टोमेटो है उसको केचप बना देंगे, राइट। और भी बहुत सारे जो भी है, राइट। तो बेसिकली दो तीन एग्जांपल्स हम इसलिए लिखे रहे ताकि आपको आइडिया होता जाए। ओके, सो थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, अब टर्शियरी सेक्टर क्या होते हैं ना, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले मान लो एक फार्मर है, राइट, और इसका यहाँ पर एक बगीचा है, ओके। ओके, ये इस फार्मर का बगीचा है। अब इसने क्या किया, यहाँ से आउटपुट निकाला। तो ये जो आउटपुट ये निकाल रहा है, ये डायरेक्टली फ्रॉम नेचर निकाल रहा है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर हुआ। ओके, अब ये प्राइमरी सेक्टर से हुआ क्या, ये आगे ले जाता है इसको फैक्ट्री में, ओके। फैक्ट्री से ये इसे एक फिनिश गुड्स में बदल देता है, ओके, ये इसे फिनिश गुड में बदल देता है, ओके। सो ये जो फिनिश गुड में प्रोसेसिंग हो रहा है फैक्ट्री में, है ना, तो ये आया हमारा ओके सेकेंडरी सेक्टर, क्लियर। अब ये जो फिनिश गुड्स है ना, इस फिनिश गुड को आगे जाके मार्केट तक तो पहुंचाना पड़ेगा बॉस, है ना, आगे बहुत बड़ी मार्केट है, राइट। सो यहीं पर आएंगे कंज्यूमर्स, है ना, मार्केट प्लस कंज्यूमर तो यहां पर ही आएंगे। अब ये जो फिनिश प्रोडक्ट है इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने का काम भी तो चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या लगेंगे, यहां पर सबसे पहले फैक्ट्री में लगेंगे
लेबर्स, राइट। और ये फिनिश प्रोडक्ट के मूवमेंट में भी लगेंगे, ठीक है। लेबर्स यहां पर जो लेबर्स होंगे वो वर्कर होंगे, है ना। यहां जो लेबर्स होंगे वो डेली वेजेस वाले होंगे, राइट। अब यहां से आगे व्हीकल भी चाहिए, है ना। मान लो ट्रक है जिसमें ये सामान जाना है, राइट। तो ये ट्रक्स क्या हुई यहां पर, गुड्स के लिए सर्विसेज भी चाहिए, है ना। सो यहां से यहां जाने के लिए ये जो सारी चीजें चाहिए होती है, राइट, इसे कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। बेसिकली ये खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करती, बट जो प्रोडक्शन है उसको अपने अंजाम तक पहुंचने में हेल्प करती है, समझ में आया। तो एक प्रकार का ये सपोर्ट प्रदान करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, है ना। इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हो, बेसिकली बेसिकली टर्शियरी सेक्टर इज सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग देम नीडेबल सर्विसेस। ओके, तो ये टर्शियरी सेक्टर का काम होता है। आई एम श्योर यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें थी, राइट। ये आप किसी भी अपने बुक्स में पढ़ सकते हो, बट हमने अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, ठीक है। ये तो थे कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। हमने देखना है कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू CSO, ओके। CSO के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी क्या होते हैं? देखो, कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी तो यही तीन होंगे ना, थोड़ा सा इन्होंने अलग करा है इसको, मैं अभी समझाऊंगा आपको। सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। तो ये CSO वाले क्या कहते हैं? ये कहते हैं, देखो यार, ये जो जर्नल कंपोनेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है ना, इसमें दिक्कतें बहुत है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। हम बेसिकली हम करेंगे क्या, हम और इसका पार्टीशन करेंगे। ओके, सो ये इसे और अलग पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेकडाउन अकॉर्डिंग टू CSO, ओके। ये कैसे है? सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, ओके। प्राइमरी सेक्टर को ये कहते हैं कि इसके अंदर जी एग्रीकल्चर तो है ना। एग्रीकल्चर के अलावा फॉरेस्ट्री भी आएगा बॉस,
ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट्री को आप अलग से ना मानो, है ना। इसके अलावा जो फिशिंग है ये भी इसी के अंडर आएगा, सो दैट कैलकुलेशन के लिए इनको और बेहतर स्टैट्स मिले। सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर, अब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर किए क्या कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर माइनिंग होगी बॉस, माइनिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस क्वेरिंग मतलब खुदाई प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस प्लस, हाँ और क्या क्या आता है इसके अंदर, जैसे क्या वाटर एंड सप्लाई, वाटर एंड सप्लाई एट्सेट्रा। ओके, तो ये इन्होंने सेकंड क्लासिफिकेशन दे दिया। अब थर्ड का क्या क्लासिफिकेशन दिया है, थर्ड का उन्होंने कहा कि ये जो टर्शरी सेक्टर होता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। बट सर्विसेज करके तुम सिर्फ दिखाओ कि गाड़ी भेज रहे हैं, वर्कर है, ये सारे सर्विसेज नहीं। अब जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, राइट, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। इसके इसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने किया कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंसेस, ओके, उसके बाद रियल इस्टेट, ओके, रियल इस्टेट के बाद बिजनेसेस, ओके, बिजनेसेस के बाद जैसे कुछ भी, जैसे कम्युनिटीज, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, ये भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आएंगे। समझ आया ना। अगर क्वेश्चन के अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी के कंपोनेंट क्या है अकॉर्डिंग टू सीएसओ बताओ, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और इसके डेफिनेशन लिख के और 150-200 वर्ड्स में आंसर कर लिया और कंप्लीट कर लिया, नहीं, इसकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद रखना, राइट। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसके बारे में बात बात बातें करते हैं, राइट। सो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ओके, तो नोट्स अच्छे से मेंटेन करना इसका। सो यहाँ पर रिवाइज करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, इजी है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पर जो मेन बात है ना, ये तो उन्होंने मोटा मोटा क्लासिफिकेशन दे दिया, राइट, बट सी एस ओ वाले बोलते हैं कि हमने इसके ऊपर भी ना एक क्लासिफिकेशन करके रखा है, ठीक है, इसमें से भी पांच ना मेजर टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी पांच जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, 5 मेजर
components according to CSO। ठीक है, ये पांच मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, ये पांच मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ओके, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम लोग एक कृषि प्रधान देश है तो इसमें तो है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या, जैसे हमने बात कर दी है, फिशिंग, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा हो इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट है, गैस, वाटर, सप्लाई, ओके, ये इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा कहते हैं कि थर्ड है ट्रेड, ओके, थर्ड कहते हैं कि ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यार इसके साथ ना मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ सो दैट इजी रहे। टू थ्री, ओके, सो ट्रेड के अंदर कैसे, मान लो कि किसी ने होटल खोला है ना, या फिर किसी ने रियल एस्टेट का बिजनेस चलाया है, ओके, रियल एस्टेट के अलावा मान लो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे गाड़ी हो गई, टैक्सी हो गई, ये सब है ना, बसेस हो गई, एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट उन्होंने बोला फाइनेंस, ओहो ये क्या हुआ, अबे नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइनेंस, ठीक है, ओके। अब फाइनेंस देखो, फाइनेंस में एक टर्म आपको याद होगी, ये टर्म याद रखना, FIRE, ठीक है, इसमें फायर नहीं है, F से है फाइनेंस, आई से है
इंश्योरेंस और आर ई से है रियल इस्टेट। ओके, तो फाइनेंस के अंदर ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये फोर्थ नंबर का। एंड फिफ्थ इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ये है कि ये क्या है, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर क्या क्या आती है, गवर्नमेंट आती है, डिफेंस आती है, पुलिस आती है। ओके, सो अब यहां पर क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा रेड कॉलम के अंदर डाल देता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं समझाता हूं आपको। देखो ये आते तो इनके कंपोनेंट के लिए है, बट जब ये जीडीपी कैलकुलेट करेंगे ना, इन सब को, इन चारे पॉइंट को अलग कैलकुलेट करेंगे और ये फिफ्थ पॉइंट को अलग से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अपने आप पे एक ह्यूमंगस पार्ट है, राइट, इंडियन जीडीपी का, जहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सेपरेट कैलकुलेशन डिजर्व करती हैं और इसका सेपरेट कैलकुलेशन ही होता है, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। सो आई एम श्योर कि आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। पांच कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं GNP। ओके, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपको समझाता हूं, GNP अब यहां पर देखा जाता है नेशनलिटी बेस्ड प्रोडक्शन। ओके, यहां पर जो भी प्रोडक्शन देखा जाएगा उस पर नेशनलिटी जरूर चेक की जाएगी। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। आज फिर मुझे इंडिया का डिजाइन बनाना होगा। ओ शिट 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 शिट, ड्राइंग करना इज सच अ टास्क यार। ओके, कुछ हमारे स्टेट रह गए। अच्छा, अब यहां पर देखना, देखो इंडिया के अंदर USA की कंपनी भी होगी, जापान की कंपनी भी होगी, है ना, साउथ कोरिया की कंपनी भी होगी, और यहां पर इंडिया की कंपनी होगी, यहां पर भी, राइट। सो यहां पर इंडियन कंपनी भी होगी और दूसरे देशों की कंपनीज भी होगी, राइट। right?
बट ये जो दूसरे कंपनी देशों की कंपनी होगी ना, इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ओके, ये याद रखना है आपने। अब इसके अलावा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ जाते हैं। ये है रशिया। ओके, अब रशिया में रशियन कंपनीज भी होंगी, है ना? ज़्यादा वहाँ पर रशियन कंपनीज होगी, बट समहाउ वहाँ पर इंडिया की कंपनी भी होगी, है ना? तो इंडिया की कंपनी भी होगी, है ना? वैसे ही कोई और कंट्री भी होगी, राइट? ये अमेरिका है, रशिया, अमेरिका। ओके, अब अमेरिका के अंदर भी इंडिया की इंडियन कंपनीज होंगी ना, बाकी होगी यहाँ पर यूएस की कंपनी। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझो। जैसा मैंने आपको कहा कि एनडीपी नेशनलिटी बेस्ड प्रोडक्शन होता है, अब यहाँ पर मेरे को सिर्फ अपने देशों की इनकम चाहिए। सो यहाँ से 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 और यहाँ से ये जो वैल्यू इकट्ठी होगी ना, ये होगी GNP। समझ आया? अगर मैं इन्हीं का कैलकुलेशन देखूँ सिर्फ, मतलब इन्होंने एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन किया, अगर मैं सिर्फ वही प्रोडक्शन देखूं, ठीक है, प्रोडक्शन डन बाय इंडियन कोज, इंडियन कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है, राइट, सो उसको देखेंगे तो वो होता है GNP ऑफ ओके, समझ आ गया ना? आई एम श्योर अब आपको क्लियर होगा ये, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो समझ गए कि GNP होता क्या है ना? सो क्वेश्चन हो सकता है, हाउ, यार पैड सीधा तो बैठ जा, हाउ वी कैलकुलेट GNP, है ना? GNP कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या हम इसको GDP से कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन वी GNP फ्रॉम GDP? ओके, ये इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं क्या? आंसर है यस। अब देखना है कैसे कर सकते हैं, राइट? देखो, फर्स्ट GNP ये कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा GDP है, GDP,
राइट, उसमें से सबसे पहले तो एक काम करो, माइनस करो फॉरेन प्रोडक्शन या फिर वैल्यू, ओके, और फिर उसमें ऐड होना चाहिए जो इंडियन कंपनी बाहर पर जाके प्रोडक्शन कर रही है, राइट। इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, एन एफ आई ए, इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, राइट। तो ये टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, IMF क्या होता है बॉस? IMF सुना है कभी? IMF, अगर मान लो इन्होंने एक रैंक करना हो, ओके, रैंक एनी कंट्रीज GDP, अगर किसी भी कंट्री के GDP को रैंक करना हो, है ना, तो वो कैसे कर सकता है? क्या वो उस कंट्री का GDP देखेगा? हाँ, आंसर है नो। याद रखना, ये GDP नहीं, किसी भी कंट्री का अगर GDP, सॉरी यहाँ पर GDP लिख दिया, अगर इकोनॉमी चेक करना चाहता है, वो GDP से नहीं, वो GNP का इस्तेमाल करता है। अगर कभी भी पेपर में आए, इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखो, इसे इम्पोर्टेंट नोट मार्क करो, ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, ये याद रखना है आपने। ये आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने। इसी के साथ नेक्स्ट टर्म एक और बहुत इंपॉर्टेंट निकल के सामने आ जाती है, वो है व्हाट इज NDP। GNP तो देख लिया भाई, व्हाट इज NDP? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन NDP क्या होता है ना, इसको इलेबरेट करो थोड़ा, ओके। NDP बहुत इजी है कैलकुलेट करना, और क्या है ये आप खुद से बहुत इजी से समझ जाओगे, है ना। देखो, NDP के कैलकुलेट करने का अपना तरीका होता है, NDP इज इक्वल टू GDP। अब इसका डेफिनेशन आप खुद दे देना दोस्त, क्योंकि मैं जैसे ही एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। आप मुझे बताओ ये क्या क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हों करते हैं, राइट, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उस केस पे जो आपकी मशीनरी यूज़ हो रही होती है देश की, है ना, वो मशीनरी कमज़ोर भी तो हो सकती है ना। अब उस जीडीपी को जो देश की जीडीपी को बनाने के लिए जो मशीनरी खर्च हुई है,
उस मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन होगा, गाड़ी होगी, ट्रक्स हो गई, बड़ी बड़ी मशीनरीज होगी, उनकी बैरिंग्स खराब हो जाएंगे, है ना, तो उनको जो फिक्स एसेट है उनको जो चेंज कर, हाँ फिक्स एसेट याद रखना ये, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला इसमें कुछ और लेबर या फिर ये कुछ नहीं, ये सिर्फ फिक्स एसेट की बात करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, ओके, इसकी में कोई लेबर, उसकी हड्डी टूटी, उसकी हड्डी कमजोर हो गई, उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। सो यहाँ पर एनडीपी मतलब क्या, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन कटता है वो क्या करता है, वो डेप्रिसिएशन करता है फिक्स कैपिटल का। फिक्स कैपिटल में जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको हटाएंगे जीडीपी में से, तो वो आ जाता है एनडीपी, है ना, ये याद रखना। अच्छा यहाँ पर एक और ट्रिक है, इसको देखो, है ना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, क्या जीडीपी में से अगर मैं माइनस कर सकता करता हूं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना, तो क्या जीडीपी आ जाएगा? क्या जीडीपी आ जाएगा बताओ, क्वेश्चन है ये। आंसर है यस। ऐसा क्यों? ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है ना, नथिंग बस इसको भी ये डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो सीधा डेप्रिसिएशन शब्द यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल, राइट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, चाहे कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट माइनस कर लो, दोनों का बात एक ही है, तो हम जीडीपी से जब ये माइनस करेंगे तो जीएनपी निकल ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है एन एन पी। एन एन पी का मतलब क्या हुआ? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ओके। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लो। एन पी इज इक्वल टू जी एन पी, यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? जीएनपी का इस्तेमाल करेंगे, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर अब हम जीडीपी जीएनपी, क्योंकि जीएनपी तो निकल गया हमारा, ग्रॉस नेट प्रोडक्शन तो निकल गया, अब ग्रॉस नेट प्रोडक्शन में भी छोटे मोटे जितने भी डेप्रिसिएशन होंगे, अगर हम उन डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं तब निकलता है जीएनपी। समझ आया? ओके, जीडीपी से जब माइनस करोगे डेप्रिसिएशन को निकलेगा जीएनपी, जीएनपी से जब कॉमन डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो एनएनपी निकलेगा, ठीक है, ये याद रखना, बहुत आसान है बट इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म लिख देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगा इस चीज़ को पहचानने में, ये जो डेप्रिसिएशन है, टर्म छोड़ो, इसको ऐसे ही याद रखो, बहुत इजी है ना, टर्म लगा के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, अब जब हम कॉन्सेप्ट में आएंगे तो तब मैं आपको टर्म्स पढ़ा दूंगा, मुझे लग रहा है कि ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है पर कैपिटा इनकम. ओके, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देखो, PCI से डिनोट करते हैं, है ना? पर कैपिटा इनकम जब भी निकालना होता है तो हमको निकालना होता है NNP, क्योंकि NNP ही वो वैल्यू है जो ओवरऑल आपके हैंड में है. सब कुछ काट पीट के एग्जैक्ट में जो देश का पैसा बचता है वो NNP है, राइट? अभी तक हमने इतने सारे जो कट करे हैं वो आपने देखा है ना. और नीचे आ जाता है पॉपुलेशन ऑफ नेशन, है ना, उस नेशन की पॉपुलेशन, राइट? सो यहाँ पर निकल जाती है CPI. ओके, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो जो फाइनल GDP में से GNP निकाल दिया, GNP में से डेप्रिसिएशन करके फिर NNP निकल गया. और ये जो NNP निकला ना, ये मान लो कि हमारे पास आया टोटल 1000 रुपीज़, है ना. अब देश की पॉपुलेशन कितनी है? देश की पॉपुलेशन है 100, राइट? सो अगर देश की पॉपुलेशन 100 है तो कितना आया? इज इक्वल टू 100 रुपीज़. समझ में आया? ये जो 100 रुपीज़ है ना, ये है पर कैपिटा इनकम ऑफ 100 पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन यहां पर हम कितने मान के चले थे? 100, राइट? तो बोलने का क्या मतलब है कि ये जो 1000 रुपये देश के पास पैसे थे ना, अगर इस पैसे को बराबर बराबर देश के सभी लोगों में बांट दिया जाए तो उनके हाथ पे कितने कितने पैसे लगेंगे, उस पैसे को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, राइट? सो उनके हाथ पे कितने पैसे लगेंगे, वो कितने पैसे खर्च कर पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है, राइट? आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसके लिए हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं. कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे PPP, राइट? PPP का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी. ओके, कल हम पढ़ेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी. ऑलराइट, तब तक ये जितने टर्म्स मैंने आज पढ़ाए हैं इसको पढ़ के आ जाना और रिवाइज करना, राइट? ओके, टिल देन बाय. गोविंदगी शोम, साइन आउट.